सत श्री अकाल जी, पीटीसी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा, लेके हाजिर हाँ साडा खास बुलेटिन माझा मालवा दुआबा। शुरुआत करन जा रहे इस वक्त की वड्डी खबर दे नाल। पंजाब दे थर्मल प्लांटा ते कोले का संकट मुड़ तो मंडरा लग्या। कोल इंडिया ने निर्धारित रेटा विच वाधा किया है। पंजाब दे थर्मल प्लांटा नूं हुण कोला महंगा मिलेगा। इस दे नाल ही रेलवे ने भी खाली रैक देण लई 15% तक भाड़े विच वाधा कर दिता है। पंजाब दे थर्मल प्लांटा विच कुछ ही दिनों का कोला बचा है। जे पावरकॉम ने जल्द कोई हल ना किया तो बिजली संकट गहरा सकता है। इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है, पंजाब दे थर्मल प्लांटा ते कोले का संकट मुड़ तो मंडरा लग्या। इस दे नाल ही रेलवे वालों खाली रैक देने दे लई 15% वध चार्ज लिया जा रहा है। ते पावर सैक्टर के माहिर की मनीए तो आने झोने के सीजन के दौरान कोले की कमी के कारण पंजाब विच बिजली की किल्लत हो सकती है। पंजाब के थर्मल प्लांटा ते कोले का संकट मुड़ तो मंडरा लग्या है। इस खबर से वधेरी जानकारी देने लई साडे सहयोगी गगन जुड़ गए ने। जी गगन, की लगता है पंजाब चे जल्द ब्लैकआउट हो सकता है? जी नीलम, बिल्कुल खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है, क्योंकि पंजाब चे पिछले साल भी काफी संकट देखने को मिले, क्योंकि कोले की जी सप्लाई जो हर्ट होती है तो थर्मल प्लांटा में जी परफॉर्मेंस है वो घट जाती है या बंद हो जाते हैं। गल की जाए पंजाब के थर्मल प्लांटा की, सरकारी थर्मल प्लांटा साहब के 20 से 25 दिन का कोला पे है, पर निजी खेत्र के थर्मल प्लांट है उन्होंने सिचुएशन जी काफ़ी क्रिटिकल है। जिवें कि थर्मल प्लांट जो गोविंदवाल साहब दो तो 5 दिन का कोला बचा है, और तलवंडी साहबों का जोड़ा बंद है सॉरी लहरा मुहब्बत है थर्मल प्लांट उत्थे भी काफ़ी घट गया कोला, 2 दिन का जरा थर्मल प्लांट बचा है। और आने दिनों तक जो कोले सप्लाई निरंतर ना हुई तो संकट मंडरा सकता है, क्योंकि जो तुलना करिए पिछले साल के अज के दिन की स्टॉक की तुलना करिए तो अज के दिन पिछले साल 17 से 39 दिन का वक्त थर्मल प्लांट कोला पिया, पर अज जिहड़ा है काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल है। जे कोई पावरकॉम वालों जल्दी इस समस्या का हल ना किया गया ता जो होर भी संकट जिहड़ा मतलब मंडरा सकता है। गल की जा रही कि जिहड़े खनन है जिहड़ा एक्सट्रैक्शन है कोल माइन भावें कि 6% वधा दिता गया पिछले साल नालों, पर रेट जिहड़े ई ऑप्शन के राही कोल इंडिया वालों काफ़ी वध ले जा रहे हैं, और इस दे नाल जिहड़ा रेलवे के रैक है उस पर 15% प्रीमियम जिहड़ा रेलवे वालों लिया जा रहा है, जिसे चलद काफ़ी जरा एक्सचेकर से बोझ पै रहा, और कोले की महंगा कोले मिलने जी रेट है वो भी बढ़ सकते हैं, और किल्लत तो बिजली की हो सकती है, क्योंकि पिछले साल भी बारिशों करके जुलाई अगस्त के महीने कोल इंडिया वालों जी कोले की सप्लाई थी वो बंद करती थी, और जे कोला निरंतर ना आया जे पावरकॉम वालों कोई स्टेप्स ना चुके गए तो आने गर्मी के सीजन झोने के सीजन कोले की दिक्कत हो सकती है, जिस थर्मल प्लांट बंद हो सकते हैं तो बिजली मिलनी भी औखी हो सकती है। जी 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 गगन, बिजली सरप्लस सूबा है पंजाब ते इस तरह की स्थिति नु किवें देखा जाए? हाँ बिल्कुल नीलम, पिछले 10 साल जो अकाली सरकार थी तो बिजली सरप्लस सूबा बन गया, पर जोड़े नए नए एवेन्यू अडोप्ट करने चाहिए थे, नवी प्लांट्स या नवे कोले की कोई गल की होनी चाहिए थी वो भी नहीं की गई पिछले 5 साल की सरकार वालों, और जिसके चलते संकट जोड़ा है वध रहा है, क्योंकि बिजली की डिमांड जी है 10% आए साल बढ़ जाती है, और जो आप गल की जाए 5 साल में 40 से 50% डिमांड जी है पंजाब में बढ़ चुकी है, और इसके चलते कोई काम ना किया गया, कोई वो जे अपने कह सकते हैं कोई आयाम या कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, जिसके चलते जो संकट है दिन ब दिन पंजाब वधदा जा रहा है। जी नीलम, गगन ना सिर्फ सरकारी खेत्र के जिहड़े थर्मल प्लांट है उन्हां विच घट कोला बचा है, बल्कि निजी खेत्र के भी जो प्लांट है उन्हां दी गल कीती जावे तां उन्हां विच भी महज जेकर गोविंदवाल साहिब दे थर्मल प्लांट की गल कीती जावे तां 5 दिनां दा कोला बचा, जिहदे विच सरकार हुण की कुछ कदम चुक सकदी है? नीलम, जिहड़े कोला प्रोक्योरमेंट जिम्मेवारी होंदी है पावरकॉम की जिम्मेवारी होंदी है, पावरकॉम ने ही कोले की पेमेंट करनी होती, हाँ बिल रेस करके जो निजी थर्मल प्लांट है वो पावरकॉम देते हैं, उस तो बाद पेमेंट की जाती है, जिम्मेवारी जी है सारी पावरकॉम से आती है कोले की परचेज की,
ਆਵੇ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਠਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵੇ ਕਿ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਅਲੋਟਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਗਨ।